अबरार तुम बताओ सच कौन बोल रहा है? अबाजन जाहिर है रणधीर और उदय झूठ बोल रहे हैं। फारूक मियां की कही हुई एक एक बात सच है। हम माफी चाहते हैं लाला जी। अगर हमारे घर में कोई शख्स रह रहा होता तो जिस लड़की से रिश्ता हुआ उसे छोड़कर किसी और लड़की से आंख मिला रहा होता तो हम आपकी तरह सीने पर पत्थर रखकर नहीं बैठ पाते। हम कितने भी कमजोर सही लाला जी, पर हम वही पत्थर उठाकर उस शख्स का सर भोड़ देते। चाहे हमें मारते या जान से मार डालते लेकिन हम अपनी आन पर आंच नहीं आने देते लाला जी। फारूक मियां, मैं रणधीर और उदय की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। छोड़ दे गुस्सा और जो कुछ भी हुआ है भूल जा, निकाल दे उसे अपने मन से। फारूक बेटा अंदर आओ, ठंडे दिमाग से बात करते हैं। जी घर चलो। लाला जी वो लाला जी आप एक मौका तो दीजिए मेरी बात को रखने का। ओ रब रब रब, ओ तू फिर आ गया यहाँ पे। तेनू पता है ना लाला जी कितने नाराज है फिर भी ये सब। परकुरदार, मेरे घर की इज्जत का बहुत बड़ा मजाक उड़ चुका है तुम्हारी वजह से। अब दरखास्त है कि जिन मामलों में तुम्हारा लेना देना ना हो उनमें दखल ना दो तो चंगा है। लाला जी लेकिन मेरी नजरों में अपने आप को चंगा इंसान साबित करने की जिद से आए थे ना, तो मेरी नजरों में वो बंदा जो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकता और सड़क पर खड़ा होकर मारा मारी करता है ना वो चंगा इंसान है और ना कभी बन सकता है। जी मैं बना दूँ हुक्का।
छड़ो। मौकर विचारी की करे, मौके का फायदा चकती फिरे। जो अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकता, सड़क पर खड़ा होके मारा मारी करता है, ना वो चंगा इंसान है और ना कभी बन सकता है। सफर आसान है या मुश्किल, ये बात रास्ते नहीं बल्कि चलने वालों के हौसले तय करते। इससे पहले कि फारूक वशमा से निकाह करने आए, मैं वशमा को लेकर यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा। पुत्र जी, आजो जी, आजो। पुत्र जी, मैंने ना बड़ी फिक्र हो रही है जी इनकी। ये ना दोपहर में ना गुस्सा होके चले गए थे, दोबारा लौटे ही नहीं। ओहो, बताओ ना, मैंनु बड़ा डर सा लग रहा है। माँ तुझे फिकर ना करो, बाबूजी के लिए कोई नई गल नहीं है, वो अक्सर ऐसा करते रहते हैं। जी नाराज होके घर से चले जाते हैं, फिर एक आध दिन में खुद ही लौट कर वापस आ जाते हैं। आप नए हो ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आ जाएंगे वो वापस और आपको भी आदत पै जानी है। नहीं जी नहीं, तुसी कुछ भी बोलो पर मैनू ना फिकर भी हो रही है ते डर भी लग रहा है। पता नहीं आज नींद कैसे आएगी, कहाँ चले गए होंगे, पता नहीं कुछ खाया पिया होगा या नहीं। हाय, कितने चले गए मेरे पति जी। जी, कौन सी मिट्टी की बनी है आप? हाँ? मतलब? वो आपको डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, कई बार हाथ भी उठा देते हैं आप पर, है ना? लेकिन आप फिर भी पति जी पति जी पति जी करती रहती हैं। इतना सोचती है उनके बारे में, उनके लिए इतना कुछ करती है, उन्होंने क्या किया है आपके लिए? हाय पुत्र जी, जरूरी थोड़ी है कि सामने वाला कुछ करे तभी हमको उनकी फिक्र करनी चाहिए, है? अब जैसे वो ये जो तस्वीर वाले भाई साहब है, इनके सामने आप हाथ जोड़ के क्यों खड़े रहते हैं? ये ध्यानचंद साहब है, ये देश के बहुत बड़े खिलाड़ी है, लोग इनको जादूगर जादूगर कह के बुलाते हैं। तो जब आपके बाऊजी इनके सामने आपको डांटते हैं, आपकी हॉकी को गालियां देते हैं, तो क्या ये जादूगर साहब तस्वीर से बाहर निकल के आपकी मदद करते हैं? नहीं ना, पर फिर भी आप इनको रब मानते हैं। अब मैं बताऊं क्यों मानते हैं? क्योंकि इनको रब मानना, इनको पूजना, इनसे आशीर्वाद लेना ना आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है जी। थे वैसे मेरे पति जी के लिए ना ये सब करके ना मैंने बड़ी खुशी मिलती है। जैसे ये जादूगर साहब आपके लिए रब है, ते वैसे ही ना मेरे पति जी ना मेरे लिए रब है, मेरे भगवान है। और जब भगवान जी चुप हो जाते हैं या बुरा भला कहते हैं ना, तो उनसे नाराज नहीं होते, उनको समझते हैं। हाँ जी, वो भगवान है या नहीं ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप एक देवी हैं, देवी हैं आप।
चीतरो, पर ऐसे अचानक मेरे पैर क्यों छू रहे हो पुत्र जी? ओ जी, मेरे को ना बड़ा गुमान था। मुझे लगता था कि मैं अपने बाबूजी की सेवा बड़ी सच्चे तरीके से और दिल से करता हूँ, पर जी आपको देखकर समझ में आया कि असली सेवा का मतलब क्या होता है। आप फिक्र मत करो, इस पुत्र जी ने आपके पति जी को ना बिल्कुल आपके सामने लाकर यहाँ खड़ा कर देना है। हाय सच्ची? हाँ जी, आप जी फिक्र मत करो, हैं? आपके पति जी के सारे ठिकाने ना आपके पुत्र जी को अच्छी तरह मालूम है, मैं ले आऊंगा ढूंढ के। जीते रहो। लाला जी, चाय। भैया मुनीम क्यों नहीं आया हाले तक? वो बाहर का माहौल खराब है ना, तो शायद कहीं रुक गए होंगे। आप मुझे बताइए ना क्या करना है। ना जे तू मुनीम वाले काम कर सकता तो उसकी तनख्वाह मैं तेरे को ना देता। हिसाब किताब देखना आता तेरे को? वो अफगानिस्तान से सूखे मेवे और मसाले की बोरियां आई हैं, उनकी गिनती करके खाते में चढ़ाना है उनको। मैं देख लूंगा साहब, मुझे बताइए क्या करना है। जा तू। लाला जी, आप इजाजत दें तो एक दिन के लिए मैं बन जाऊं आपका मुनीम। अखबार में मेवे मसालों के बारे में लेख नहीं लिखना है, हिसाब किताब की बात हो रही है। मैं भी हिसाब किताब की बात कर रहा हूँ लाला जी, जिसकी अच्छी खासी जानकारी है मुझे। आपकी जो बोरियां अफगानिस्तान से आई हैं, उसका लेखा जोखा दर्ज करके 2 घंटे में बयान कर दूंगा आपको। बस एक मौका तो दीजिए। अच्छा, मेरा मुनीम तो मेरे लिए पान भी बनाता है, तुमसे ये काम हो सकना है? जी, पान? जी, पता भी है तुम्हें पान के बारे में? पान सदियों से हमारे हिंदुस्तान की शान रहा है। पान हमारे खान पान और सभ्यता का प्रतीक है। हमारी संस्कृति में पान की एक खास जगह है, मेहमान नवाजी में भी इसको अहमियत दी गई है। पता क्या तुम्हें पान के बारे में? देख क्या रहे हो मुझे इस तरह? अगर मैं गलत हूं तो मेरे लिए मुनीम की तरह पान बना के दिखाओ। Thank you.
लाडो रानी, छुप छुप के क्या दिखा रही थी, क्या बता रही थी? सबके सामने बताना कि कैसे बनाते हैं पान। बेईमानी के अलावा कुछ और भी आता है आपको रणधीर साहब? किस तरह धोखा देना है, किस तरह झूठ मूठ से दिल को जीतना है? अगर आप चाहें तो इस पे 8-10 किताबें लिख सकते हैं। अच्छा इंसान बन के दिखाएंगे मैनू। बेशक मुझे पान बनाना नहीं आता, बस साइंस बहुत अच्छे से पढ़ी है मैंने कि अगर चूने को कत्थे से भिगोया ना जाए तो चूना आपकी जबान काट सकता है, और अगर आप चूना हैं तो मैं भी कत्था जरूर लगा के ही रहूंगा। कुछ नहीं, आप ये लीजिए, पान नौश फरमाइए, लीजिए। रब 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 रब। आप अपना दिल छोटा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें हमारी मंजिल जरूर मिलेगी। जानती हूं, गिरते हैं शह सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफिल ही क्या जो घुटनों के बल चले। अच्छा, मुझे अखबार के काम के लिए जरा बाहर जाना है, मैं जल्दी लौटूंगा, ख्याल रखें। दाई जी, बाऊजी किथे नहीं मिल रहे, हर जगह ढूंढ लिया, जानकारों से पूछ लिया, जी नहीं पता लग रहा। तू एक काम कर बेटा, तू बस अड्डे ते जा, स्टेशन ते भी जाके देख, जा जा, जा पुत्र। बाऊजी, बाऊजी, चाचा जी करतार जी के यहाँ अभी भी नहीं है। मैंने तो डर है कि तो कोई गड़बड़ ना कर बैठा है। हर बार किसी ना किसी गलते लड़के नाराज होके जाता है, पर इस बार तो गल ही समझ नहीं आई। तेरे नाल तो कोई गल नहीं हुई ना? नहीं चटानी जी, कोई गल नहीं हुई, ना ही उन्होंने कुछ बताया जी मैंने। हाँ लाला जी, बाहर का माहौल बहुत खराब है जी, अभी अभी किसी ने एक सब्जी वाले का सर फोड़ दिया और दोनों तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई, और ये लोग बोल रहे हैं कि अब पंजाब का बंटवारा होना तय है। जब से पंजाब के प्रीमियर खिजार हयात खान ने रिजाइन किया है तब से ऐसी बातें चल रही हैं। सब फालतू की बातें, कुछ नहीं होना वाला। तो नहीं जी, लोग तो बोल रहे हैं कि स्टेशन पे सब गाड़ियां रोकी जा रही है, कुछ भी हो लेकिन दंगे फसाद का डर तो बाहर बना है जी। अनुपुत्र, तू भी जाके ढूंढ उसको, और दुकान ते शंभू और तारे नु भी कह दे कि बारी बारी देख ले उसको। बेवकूफ ने खाम का सपना दुखी किया है, जब तक वापस नहीं आएगा दिमाग खराब रहने सकता। किधर गया होना? क्या हुआ, नाम पसंद नहीं आया आपको? कोई बात नहीं, हम ना आपके लिए नए नाम रखते हैं, ठीक है? शेरू, रॉकी, नहीं
बगीरा बगीरा। अब इसमें से जो भी आपको आपका नाम पसंद आए वो रख लीजिएगा। अब पहले आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि आपको तकलीफ क्या है। अच्छा मैं देखता हूं। अरे पांव में कांटा चुभ गया। हाँ ये तो मेरी जिंदगी की तरह आपके पांव में कांटा चुभा हुआ है। पर कोई नहीं, इस रणधीर रायजादे को ना कांटे निकालने बहुत अच्छे से आते हैं। बस आप हिलना मत, हिलना मत। अब इस कांटे को ना हम तोड़ देते हैं कि ताकि किसी और के ना चुभे। क्या ये आपका हाथ दीजिए और हिलना मत। अभी इसको जरा में ठीक कर देते हैं। अब इसको हम लगा देते हैं। अब ये हो जाएगा आपका बिल्कुल एकदम ठीक। इसे कहते हैं जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और मिट्टी पाओ। चलो अब आपको इधर से उठा के ना उधर संभाल के बिठा देते हैं। ये रहा आपके लिए गद्दे वाला बिस्तर, यहाँ आप आराम से बैठो। चलो अब आप अपना ध्यान रखो, ठीक है? चलते हैं, बाय बाय। लाला जी वो चाची जी आप इतने परेशान? मुझे एक गल बताओ, ये शाही मोहल्ला कौन सी जगह है? क्या हुआ जी, बताओ ना कौन सी जगह है ये शाही मोहल्ला? क्या शाही मोहल्ला जी? क्यों वो क्या हुआ है चाची जी? मुझे वो ना मेरा मामा आया सी, बड़ा ना टेढ़ा मुंह करके हंस हंसते बोल रहा था कि एक महीना नहीं आया तेरे ब्याह को और अभी से तेरा पति ना शाही मोहल्ला में होना चाहिए। उन्होंने बोला कि उनका ना मन भर गया मेरे से, तो ना जितनी जल्दी हो सके ना सारा सामान लेकर रफू चक्कर हो जाऊं। बताओ ना क्या ये शाही मोहल्ला, बताओ ना क्या होता है वहाँ पे? वो शाही मोहल्ला? हाँ तवायफों का इलाका है चाची जी। तवायफ? हाय याद आया, हम ना एक बार ना शाही मोहल्ले के पास वाली गली में ना करतब करने के लिए गए थे। वहाँ पर ना मामा ना शाही मोहल्ले की तरफ देखकर ना बोल रहा था कि ना यहाँ पर ना कभी मत जाना, अलग अलग तरीके के ना करतब दिखाने वाली औरतें होती है जी वहाँ पे। मैंने भी बाऊ जी के मुंह से सुना था कि चंगी जगह नहीं है वो, शरीफ घरों में तो ऐसी जगह का नाम लेना भी पाप है। अगर बाऊ जी ने पता चल गया ना कि चाचा जी शाही मोहल्ला गए तो बहुत नाराज हो जाना है उन्होंने चाचा जी से। तब तो मैनू जाके उनको वापस लाना पड़ेगा ना। है मैं होने आई जी? नहीं 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 नहीं, मैं आपको नहीं जाने दे सकती वहाँ। क्यों? मैंने कहा ना आपसे अच्छी जगह नहीं है वो नहीं जी नहीं, तभी तो मैनू जाना ही पड़ेगा। कल ले गए पति जी, पता नहीं क्या हो, कुछ हो गया उनको तो है। नहीं मेरा मतलब है कि मैंने रेडियो पे सुनिया सी हालत बहुत खराब है उस इलाके की। मुझे हालत कितनी भी खराब हो पर मेरे तो पति जी है ना वहाँ पे, मैंने तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है मैं चलूंगी आपके साथ, मैं भी चाहती हूँ कि चाचा जी जल्द से जल्द वापस आ जाए, पर इस बारे में हम भानुवीर जी को तो बता ही नहीं सकते,
उदयवीर जी घर पर ही नहीं है तो इस मामले में मैं सिर्फ रणधीर पर भरोसा कर सकती हूँ। हमें उनके आने का इंतजार करना चाहिए। इंतजार? नहीं जी नहीं, इंतजार बहुत बहुत समय हो जाएगी। मैंने ना बस वो गंदी जगह पे ना जल्द से जल्द जाकर ना अपने पति जी को वापस लाना। आप आ रहे हो तो वरना मैं जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। बस मैं रणधीर जी के कमरे में उनके नाम की चिट्ठी लिख देती हूँ, उसमें मैं लिख दूंगी कि हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जल्दी जल्दी। अगर ये चिट्ठी किसी और के हाथ लग गई तो मेरा बाप क्या करे। नहीं 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 नहीं, मैंने रणधीर जी से कहा था कि उनके नाम का रुमाल मैं उनके आने से पहले मेज पर रख दूंगी, तो बस इस रुमाल में मैं इस चिट्ठी को लपेट के रख दूंगी। वो आएंगे तो उनकी नजर तुरंत पड़ जाएगी और उन्हें ये चिट्ठी मिल जाएगी। हाँ ठीक है, छेती छेती करो। है आपने कहीं देखा है क्या? घर वाला है तेरा? आपको कैसे पता चला? जब कोई शरीफ औरत तांगे से उतरकर इन बदनाम गलियों में आती है ना, तो उसकी सारी कहानी खुद ब खुद पता चल जाती है। जी बताइए ना, आप पता है ये कहाँ है? सामने जोरा बाई का कोठा है। कल से एक बंदा वही पड़ा है, पक्का यही होगा। इन्हें लेने आई हूँ जी। अच्छा तो ले जाओ, तुम्हें कौन रोकेगा? पर लेके कैसे जाओगी, गोद में या दो बंदे भेज दूँ? नहीं जी नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। ओए रुक जा बीबी, दुनिया में ये वो इकलौती सीढ़ियां हैं जहां आने के और जाने के दोनों के पैसे देने पड़ते हैं। हाँ पैसे, वो क्या है ना, इसकी जेब में जितने थे उसका हिसाब तो रात को ही हो गया, अब बाकी तो वही चुकाएगा ना जो लेने आएगा। तो पैसे चुकाओ और अपने सामान को उठा के चलते बनो। मुझे पैसे तो नहीं है जी मेरे पास। मुझे फिर तो आपको भी नहीं जाने देंगे हम। जाने दो जी, सच्ची मुच्ची पैसे नहीं है जी हमारे पास। तुम शरीफ घर की औरतों का ना यही किस्सा है, अपने पल्ले कुछ होता नहीं है, पैसे पैसे के लिए घर वालों की मोहताज रहती हो। तुम एक काम करो, तुम हमारे धंधे में क्यों नहीं आ जाती?
सुना है शरीफ औरतें पति को ही अपना गहना मानती हैं। तो एक काम करो, ये गहने दो और ले जाओ अपने पति को। ये गहने मेरे नहीं है जी, ये तो जेठानी जी ने दिए मुझे, अलग से 100 सवाल करेंगे जी। हाँ ये बात भी सही है। एक काम करो तुम ना, आज रात को यही रुक जाओ, खुद पैसे कमाओ दे दो, और इस बहाने तुम्हारे गहने भी बच जाएंगे और पति भी। देखिए आप नहीं जानते हम कौन हैं, इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप हमें यहां से जाने दें। और रहे आपकी पैसों की बात, तो आज शाम होने से पहले पहले आपके पैसे आप तक पहुंच जाएंगे। आवाज में इतनी खनक है तो चेहरे में कितनी कशिश होगी, जरा देखो तो इस पर्दे के पीछे कौन सा चांद छुपा है। तकदीर अच्छी है आपकी जो मैं वक्त पे आ गया। अगर आपके छूने से ये चांद जरा सा भी मेला हो जाता ना, तो कसम मेरे प्यार की इस कोठे पे मैं किसी को माफ नहीं करता। पैसे चाहिए ना आपको? ये लीजिए। बस काफी नहीं है, काफी नहीं है। सीने में छुपा इश्क दिखाने के लिए कमीज उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया देखी है जोराबाई ने, इज्जत तुम रख लो, मैं पैसे से काम चला लूंगी। Thank you.
एक बात बोलूं? कुछ बात है तुझमें। अगली बार तफरी करने का मन हो या आसपास से गुजरे, चले आना। आपको आपकी जान भुलवा दूंगी और पैसे का जिक्र नहीं करेगी जोरा भाई, वादा रहा। आप उधर से पकड़िए। संभाल के। अच्छा आप लोग ना गौर से मेरी बात सुनो। मैं ना चाचा जी को घर में सामने वाले दरवाजे से लेकर दाखिल होऊंगा, ठीक है? और आप लोग थोड़ा पहले उतर जाना और पीछे वाले दरवाजे से हवेली के अंदर आना, ठीक है जी? इस तरह किसी को पता नहीं चलेगा कि चाचा जी कहाँ गए थे। संभाल के। ये कहाँ मिला तुमको? वो लाला जी, मैं प्रेस से लौट रहा था तो मुझे अनारकली बाजार के पास बैठे हुए दिखाई दिए, तो बस मैंने गाड़ी रोकी और इन्हें अपने साथ बिठा लिया। जी बहुत बहुत मेहरबानी है जी आपकी, हम कब से ढूंढ रहे थे जी इन्हें। बाबू जी संभाल। छह नशे की हालत में ऐसी वैसी जगह नहीं चला गया, अपना खानदान की नक कटवा देनी थी इन्हें। मुगर विचारी की करे, मौके का फायदा चकदी फिरे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।